आप चुप रहना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह आपके लिए एक सीक्वेंस सीरीज का ही अगला वीडियो लेके आया हूँ। और मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ये जो बेसिक टर्म्स है आपके हमेशा काम आएगी। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, और उसमें जो जो टर्म्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक रूल्स होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हों, जिस प्रकार ताकि वो एक दूसरे से रिलेट हो सकें। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस आज हम जो पढ़ रहे हैं वो भी एक सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है। लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, लेकिन जो उसमें रूल लगेगा, लास्ट टाइम हमने रूल नहीं बताया था, रूल्स कुछ भी रूल हो सकता है। इस रूल में जो रूल इन नंबर्स को आपस में जोड़ के रखेगा वो रूल होना चाहिए यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हम कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लें उनके बीच के डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया हुआ, एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये है 1, 5, 9, 13, 17। तो ये एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। और इनमें आपस में रूल क्या है, रूल बच्चों ये है कि ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इनका डिफरेंस कितना है, ये 2 है। जो सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 4 है। फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस कितना है, वो भी 4 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस जो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो डिफरेंस जो जब जिस सीक्वेंस में डिफरेंस सेम आता है उस डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और रिड्यूसिबली कॉमन डिफरेंस को हम डी सबनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल के चेक कर लेते हैं, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर ये डिफरेंस सेम आएगा फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर ये डिफरेंसेस सेम आएंगे तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो जब भी हम डिफरेंस लेके चलते हैं तो हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं या फिर थर्ड टर्म में सेकंड। ये बात ध्यान रखना आपकी, आप डिफरेंस निकालने के लिए ए वन माइनस ए थ्री नहीं करोगे, ए वन माइनस ए टू नहीं करोगे, राइट। कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का मतलब है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म्स, नॉट सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, 1 है। सेकंड टर्म कितना है, 5। थर्ड टर्म कितना है, 9। फोर्थ टर्म कितना है, 13। इज दैट क्लियर? कभी भी आप सीक्वेंस को एक पर्टिक, दिस इज द सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया, ये सीक्वेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, इनका डिफरेंस कुछ और है, 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 ठीक है बच्चों। तो दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और ये सीक्वेंस है या नहीं है इसके बारे में कह नहीं सकते, क्या कोई, क्या इनके बीच में कोई रूल है आपस में नंबर्स में? अगर वो रूल्स फाइंड कर पाते हैं तो वो सीक्वेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन कोई दूसरा सीक्वेंस हो, आई डोंट नो अबाउट इट। इज दैट क्लियर? तो अर्थमेटिक सीक्वेंस तभी होगा जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि फर्स्ट टर्म्स को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और अगर हम एज्यूम कर लें कि जो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस बनाना चाहते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो सेकंड टर्म होगा उस फर्स्ट टर्म से कितना ज़्यादा होगा, डी ज़्यादा होगा, तो सेकंड टर्म हो गया ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितना हो गया बच्चों, थर्ड टर्म हो गया सेकंड टर्म से, ये सेकंड टर्म है इसमें डी और ऐड कर देंगे तो क्या आया, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म इस थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये ए प्लस थ्री डी हो गया।
इसी तरह फिफ्थ टर्म, इसी तरह सिक्स टर्म। अब बच्चों ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, पहली जो छह टर्म्स लिखी हैं इनमें एक रिलेशन चेक कीजिए आप। क्या रिलेशन देखिए, जब मैंने यहाँ सिक्स टर्म लिखा है तो हमने क्या देखा, ये सिक्स लिखा हुआ है और यहाँ सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है, ए प्लस फाइव डी। तो यहाँ पे जो डी का कोफिशियंट है वो कितना है बच्चों, फाइव है। इस सिक्स से एक कम, वन लेस देन द सिक्स। इसी तरह जब मैंने फिफ्थ टर्म निकाला, ये जो फिफ्थ टर्म का फाइव है और जो कोफिशियंट ऑफ डी है, कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसकी फिफ्थ टर्म की, फिफ्थ टर्म की वैल्यू है ए प्लस फोर डी और डी का कोफिशियंट कितना है इसमें, फाइव है। ये फोर जो है इस फाइव से वन कम, एग्जैक्टली बच्चों। इसी तरह जब हम फोर टर्म निकाल रहे हैं और फोर टर्म की जो वैल्यू आई ए प्लस थ्री डी आई है, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डी का कोफिशियंट है इस फोर से कम। तो अगर मैं टेंथ टर्म निकालूं तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या होना चाहिए, ए प्लस नाइन डी। क्या होना चाहिए, ये जो 10 लिखा हुआ है d का कोएफिशिएंट इन 9 से 10 से एक कम बनेगा। 20 टर्म a प्लस 19 d, 100 टर्म a प्लस 19 9d। कैसे पता लगा, क्योंकि ये जो d का मल्टीपल, जो d का कोएफिशिएंट होना चाहिए ये 100 से एक कम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह 35 टर्म। तो इस तरह से अगर मैं nth टर्म निकालूं बच्चों, nth टर्म, तो nth टर्म के लिए यहाँ पे अगर मुझे nth टर्म निकालना तो क्या करेंगे, a प्लस d का जो कोफिशियंट होगा इस n से एक कम होगा। तो d से कोफिशियंट ये एक कम, यानी n माइनस वन। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, एक जनरल फार्मूला बन गया n टर्म का। ये n टर्म का एक जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है बच्चों। एग्जांपल लेके चलते हैं, ये क्या है, 2, 9, 16, 23। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये एक एपी सीक्वेंस है। तो एपी सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होना चाहिए उनका डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, टू है, फर्स्ट टर्म टू है, और फर्स्ट टर्म को किसे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म को हम ए ले सकते हैं, ए इक्वल टू। सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, नाइन है, तो डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों, डिफरेंस आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 9 माइनस टू कितना आया बच्चों, 7 आया। इसी तरह अगर मैं थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालूं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी बच्चों, 16, और सेकंड टर्म कितनी बच्चों, 9, तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह अगर मैं फोर्थ टर्म का और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालूं, वो कितना आया बच्चों, 23 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनके डिफरेंसेस सेम हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब ये जो 2, 9, 16, 23 है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बना रहे हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी हमें टेंथ टर्म निकालनी है, तो जब ही अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखाया था ये आपको, तो टेंथ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस 90, जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है, D का कोफिशियंट इससे 9 कम होगा और इसमें A ऐड कर देंगे, राइट। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है आपका, 9 इंटू डी, डी कितना बच्चों, 7। तो क्या हो गया, 2 प्लस 63 दैट इज 65, ठीक है। तो बच्चों सीक्वेंस अर्थमेटिक है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस को चेक किया जाएगा कि डिफरेंस सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, सेकंड एग्जांपल, -5, -3, -2, -1, -4, -7, -10। अगर मैं पूछूं आपसे आर दीज नंबर्स फॉर्म अ सीक्वेंस और नॉट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, फर्स्ट टर्म को किससे नोट करते हैं बच्चों, ए से, और सेकंड टर्म कितनी है, -2 है, सेकंड टर्म कितनी बच्चों, -2 है।
सेकेंड टर्म है माइनस टू, तो डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका माइनस टू है, माइनस सेकेंड टू माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी बच्चों? फर्स्ट टर्म आपकी माइनस फाइव, तो कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस टू माइनस माइनस प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों? ये ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना है? वन। सेकेंड टर्म कितना है? माइनस टू। ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू क्या आई बच्चों? माइनस टू माइनस वन, वेट वेट, हमने क्या करना है? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी बच्चों? थर्ड टर्म की वैल्यू है वन माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस टू दैट इज थ्री, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम चेक करेंगे फोर टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो कितना है? फोर टर्म कितना है बच्चों? फोर। थर्ड टर्म कितना है? वन। कितने का डिफरेंस आया? थ्री का। तो आप देख रहे हो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। सो दीज नंबर्स, दीज लिस्टेड नंबर्स फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है बच्चों। अगर आपसे अब पूछा जाए कि हमें इसकी टेंथ टर्म निकालनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था आपको? टेंथ टर्म, टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप? फर्स्ट टर्म प्लस जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये टेन लिखा हुआ है, तो डी का जो कॉफिशियंट होगा वो क्या हो जाएगा? नाइन डी, इससे एक कम, इस टेंथ से एक कम। ए कितना बच्चों हमारा? इस केस में ए हमारा माइनस फाइव है, ए इज माइनस फाइव। इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे, अगर इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे, ये टेन लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस बढ़ते जा रही है, तो मैं टेंथ टर्म पूछा है इस सीक्वेंस का, तो ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी, फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस फाइव है, प्लस नाइन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? कॉमन डिफरेंस थ्री, तो कितना हो गया? माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन, तो कितना आ गया बच्चों? ये 22 आ गया, तो टेंथ टर्म कितना हो गया? ट्वेंटी टू आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह आपसे पूछ ले व्हाट इज द फाइंड, फाइंड 15 टर्म, ए 15, फिर से वही बात, 15 टर्म निकाले क्या करेंगे आप? ए प्लस यहाँ 15 लिखा है बच्चों, तो डी का जो कोफिशियंट आएगा इससे ही कम आ जाएगा, 14 डी, ए प्लस 14 डी, डी की वैल्यू कितनी बच्चों? कॉमन डिफरेंस 3 आया था, और ए कितना था हमारा? माइनस फाइव, प्लस 14 थ्री जा 42, तो कितना हो गया बच्चों? ये 42 माइनस फाइव 37, तो ये 15 टर्म आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह, इस तरह से हमें अगर किसी भी, अगर हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पता है, तो उसका अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, हम तो सारी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाने के लिए, टू फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, टू फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? फर्स्ट, व्हाट थिंग आई वांट फर्स्ट टर्म, सेकेंड कॉमन डिफरेंस,
अगर हमें ये दोनों चीज़ पता है तो हम पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को बना सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, जहाँ तक हमने पढ़ा है। फर्स्ट दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बन सकता है अ सीक्वेंस इज गिवन, अ सीक्वेंस इज गिवन, यू हैव टू फाइंड इज दैट सीक्वेंस, इज दैट सीक्वेंस एपी। अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखी हो, अगर ये पता करना है कि आप ये एपी है कि नहीं है, तो आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को चेक कर लेंगे। अगर एक भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंट आया बाकियों से, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है और आपको ये पता करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस बन रही कि नहीं बन रही है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन इसमें बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, यू हाउ टू फॉर्म, या कहें हम व्हाट आर द थिंग्स नीडेड, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू फॉर्म अ एपी सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये भी आपको आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इज फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, सेकंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी सीक्वेंस के, मतलब अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाना है, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म निकालें तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओगे। अगर आपसे पूछे वो 10th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, वो भी आप सब निकाल सकते हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं एनसीईआरटी की बुक से ही। अच्छा, अब ये जैसे एक्सरसाइज 9.2 दे रखा है, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। तो सम फाइंड करने से पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम का फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाता हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चंस को, जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज दे रखी है आपको 9.2, वो आसानी से कर सकें। तो केवल फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके मतलब को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं और वो डेरिवेशन है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीक्वेंस, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीक्वेंस। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, जो कि आपको पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस हम लेके चलते हैं डी का, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे, और इसी तरह थर्ड टर्म हो जाएगा आपका ए प्लस टू डी एंड सो ऑन।
ठीक है बच्चों। अब मुझे इन सभी टर्म्स को जुड़ना है, ऐड करना है। जो इसकी एन टर्म क्या है बच्चों, इसकी एन टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दिस टर्म्स, सम ऑफ दिस टर्म्स, राइट। तो इस सम को हमने फाइंड करना है कि इन सभी टर्म्स का सम क्या आएगा, राइट। और इसके सम को मैंने एस एन से डिनोट कर दिया, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है बच्चों। अगर मुझे तीन टर्म का सम निकालना तो यहाँ एस थ्री लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। तो जो हमारा एस एन आएगा, यहाँ पे ए वन की वैल्यू कितनी है, ए है, यानी मैं एस एन लिख सकता हूँ ए वन की वैल्यू ए प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू ए प्लस डी, थर्ड टर्म की वैल्यू ए प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट प्लस ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ठीक है बच्चों। ये आपका सम आ गया। अब इसी सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, ये एन टर्म है, इसको मैंने पहले लिख दिया, ये एन टर्म हो गया। और इसके बाद वाली जो टर्म आएगी, मतलब सॉरी इसके पहले वाली टर्म, इस ये जो मैंने टर्म लिखी इससे पहले वाली टर्म को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वो क्या आएगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। ये आपकी एन टर्म थी, ये आपकी एन माइनस वन टर्म्स है, एंड सो ऑन। और जो क्योंकि मैंने इस पूरी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो अब ये आपकी सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ बच्चों, निकल दिखा गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस टू डी, ये आपकी सेकंड लास्ट टर्म हो गई, या कहेंगी सेकंड टर्म ये वाली टर्म, वेट 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 वेट, ये थर्ड लास्ट टर्म होगी, थर्ड लास्ट, दिस इज थर्ड लास्ट टर्म, दैट मीन्स दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड लास्ट टर्म, राइट। और इसके बाद ये सेकंड टर्म, यानी सेकंड लास्ट टर्म हो गई है, सॉरी ये प्लस टू प्लस, ये आपकी लास्ट, यानी जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन जाएगी, जो एन टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, राइट। अब मैं अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को, तो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टू एस एन, ठीक है। अब जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, मैं रफली यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, देखिए इसको इसको ऐड करने के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ए प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है बच्चों। अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए, और यहाँ से डी कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये जो टू एस एन की वैल्यू आई है, जब मैंने इनके फर्स्ट टर्म को ऐड किया दोनों को, तो ये आ गया आपका टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी तरह मैं इसको और इसको ऐड करूँगा, तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी यही आएगा, आप करके देखिएगा इसको, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सम, दोनों जो मैंने सम किया, ये उसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये सेकेंड टर्म। इसी तरह मैं अगर मैं इनके लास्ट टर्म को ऐड करूँ, इन दोनों को, तो लास्ट में जाके ये भी यही आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो ये जो ये देखो सेम नंबर है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ बच्चों, एन टाइम्स, कितनी बार रिपीट हुआ है, एन। मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये देखो
ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये nth टर्म, तो ये n टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जैसे अगर मैं इसको मैं अगर ये तीन बार लिखा होता तो तीन बार का एडिशन क्या आता है, थ्री इंटू दिस थिंग। तो इसलिए जो टू एस एन आया है, टू एस एन की वैल्यू हो गई ये, क्योंकि नंबर जो है n टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसका जो सम आ जाएगा n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तरह से जो Sn है, Sn की वैल्यू हो जाएगी n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये Sn की वैल्यू, क्योंकि ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो ये nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे देखिए, ये एस एन है एन बाई टू, टू ए कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनी प्रॉब्लम, इसको मैं एक साथ लिख दूंगा ऐसे। ठीक, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे ए का मतलब क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म, तो मैंने इसको ए वन लिख दिया। और ये क्या है, ये कौन सी टर्म बच्चों, ये है एन एन टर्म। ठीक है बच्चों, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई टू ए वन प्लस लास्ट टर्म, लास्ट मीन्स एन एन टर्म, एक बात है, ये सारी बातें एक ही है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जिस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पहले से ही मौजूद है, यानी हमें पता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसका सम। अदरवाइज़ किसी भी सीक्वेंस में अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है और किन टर्म का सम निकालना है वो पता है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है 4, 10, 14, 20 एंड सो ऑन, उससे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस के जो फाइंड द सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं हम। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला मीन्स ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है और ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं इसको, एस टेन लिख देंगे सम फर्स्ट 10 टर्म्स, यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि 10 टर्म का सम निकालना है, तो 10 बाई टू इंटू टू इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना बच्चों 4 है, प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस वन मीन्स 9 इंटू डी, डी कितना बच्चों 6, और जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5, 8 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 62, ये हो जाएगा 310। ठीक है बच्चों, अगर हम सेकंड फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं, सेकंड फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट टर्म मीन्स 10th टर्म निकालनी होगी पहले, और 10th टर्म हमें निकालना आता है, ए प्लस 10 मीन्स ए प्लस 90। ठीक है, तो ए प्लस 90 मतलब ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये 4 आ गया, 9 इंटू डी, डी कितने का है, डी बीच डिफरेंस 6 का है, तो कितना आ गया 4 प्लस 54 कितना हो गया अच्छे, ये हो गया 58।
ओके 58। अब क्या करना है, अब जैसे हम इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, दैट इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू मीन्स 10/2। ये फॉर्मूले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म पहले आना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 4 है, यहाँ 4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो ए एन लिखा हुआ है, ए एन, ए एन का मतलब क्या है, यहाँ पे टेंथ, ए टेन, ए टेन कितना निकाल चुके हैं 58, तो ये 58 लिख दिया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 5 × 58 + 4 = 62, ये कितना हो गया बच्चों 310। ठीक है बच्चों, इस ढंग से आपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझना है और करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक्सरसाइज में लेके चल रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स 1 + 3 + ……+2001। यस, तो बच्चों ये जो मैंने लास्ट फॉर्मूला करवाया था उसी से हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ पे हमें सम निकालने की, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो सम निकालना है हमें, फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 2001। अच्छा, यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, आपको पता है ये जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो कितनी है 2001, और एन इक्वल टू होता क्या है, एन इक्वल टू होता है आपका बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल टू 2001। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये ए की वैल्यू कितने की बने 1, एन माइनस वन, एन की वैल्यू पता नहीं है, रहने दो इसको ऐसे ही, और डी कितना है टी टू है, क्योंकि जो ऑड टर्म्स नंबर्स होते हैं कंसेक्यूटिव उनका डिफरेंस 2 होता है, इज इक्वल टू 2001। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2n - 2 इज इक्वल टू 2001, तो ये हो जाएगा 2n - 1 इज इक्वल टू 2001, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2002, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2002 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1001। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो n की वैल्यू आई है वो आ गई 1001। अब हम सम निकालने के लिए, इनका सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूले का सेकंड फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, तो उस सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया नंबर टर्म्स कितने ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एस एन का मतलब हो गया एस 1001 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी 1001/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 2001, और 1001/2, 1 + 2001 कितना होता है बच्चों 2002, तो ये आ गया आपका 1001 × 1001। तो बच्चों इनको मन विदाई कीजिए, आप लोग जल्दी से कीजिए, देखते हैं कि कौन पहले मन विदाई करता है, आप करते हैं या मैं करता हूँ, तो जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों ये आ जाएगा 1002001, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके चलेंगे हम एनसीईआरटी के ही,
आज मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बीच बीच में कुछ कंसेप्ट के बारे में आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले ही मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो बना है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपको मैं राजेंद्र सिंह नमस्कार कहता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।